अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है टोटल प्रीमियर लीग। तो जी हाँ, टोटल प्रीमियर लीग इज बैक इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग कोविड ब्रेक की वजह से काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ, जिस वजह से मैचेस नहीं रिज्यूम हो सके। लास्ट मैच जो कि खेला गया था वो मार्च में खेला गया था, मार्च 14 को, जो भी खेला गया था बिटवीन पॉप ओएससी एंड इमरात, जिसमें ओएससी ने 6-2 के साथ इमरात को शिकस्त दी थी। और इसके बाद अगर हम मैचेस की बात करें तो जी हाँ, मैचेस फ्राइडे और संडे से स्टार्ट हो जाएंगे टोटल प्रीमियर लीग के दोबारा से। और हम स्टैट्स की बात करें तो देखते हैं कि कोविड ब्रेक से पहले स्टैट्स की क्या पोजीशन थी। तो जी हाँ, पॉइंट्स टेबल पे हमारे पास टीम इमरात जो कि पहले नंबर पर आपको दिख रही है। 12 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 9 won 2 draw and 1 loss, 29 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पर हैं। सेकंड नंबर एफसी इस्लामाबादियंस, जिन्होंने 11 मैच खेले, 7 जीते जिसमें से 2 draw and 2 loss, 23 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड पे टीम स्मर्फ एफसी, जिन्होंने 10 मैचेस खेले, 7 won 1 draw and 2 loss, 22 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हम देखते हैं तो ट्रॉल एफसी, 10 मैचेस में से 4 उन्होंने विन किए, 1 draw किया और 5 loss किए, 13 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे हैं ब्रॉन ब्रेकर्स एफसी, जो कि 10 मैचेस खेले उन्होंने, 4 विन किए उन्होंने और कोई भी ड्रॉ नहीं किया अब तक, 6 loss किए उन्होंने और 12 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुस्लिम हैंड्स एफसी, पोपो एफसी, फिनिक्स एफसी, टीम इमारात और गनर्स एफसी ने की 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पोजीशन है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं टॉप गोल स्कोरर्स की, तो जी हाँ, गोल स्कोरिंग मशीन मुर्तजा हुसैन एफसी इस्लामाबादियन की जानिब से आपको टॉप पे नजर आएंगे, 15 गोल्स के साथ सर फहरिस्त हैं टॉप गोल स्कोरर्स की शीट में। दूसरे नंबर पे हैं जो अली यासिर स्मार्ट एफसी की जानिब से, जो कि बिल्कुल मुर्जा के शाना बशाना है, 14 गोल्स के साथ मुर्जा को के साथ एक रेस में शामिल होते हुए। नंबर थर्ड पे हैं हसाम अली एफसी इस्लामाबादियन की जानिब से, जिन्होंने 8 गोल किए हैं अब तक और काफ़ी अच्छा और प्रीमियर लीग चल रहा है इस वक्त। टॉप गोल स्कोरर्स की फहरिस्त आपके सामने थी। इस बार अगर हम बात करते हैं टॉप असिस्ट की, तो फिर हमें नजर आएंगे अगेन पहले नंबर पे इस्लामाबादियन की जानिब से हमजा नुसरत, जिन्होंने 13 असिस्ट किए अपने इस लीग के मैचेस में अब तक जितने मैच इन्होंने खेले हैं, काफ़ी अच्छे सॉलिड रहे इन द मिड। हमजा नुसरत इस्लामाबादियन की जानिब से, उन्होंने काफ़ी अपनी टीम को सपोर्ट किया और इस्लामाबादियन को लीड भी कर दिया हमजा नुसरत। सेकेंड नंबर पे ओज़िल, जो टीम टीम की जानिब से मेन पर्सन ऑफ टीम ए टीम, जब भी इनको गोल चाहिए होते हैं तो ओज़िल ऑब्वियसली इनको गोल्स करके देते हैं और अपनी टीम को अच्छे मैचेस में विन कराते हैं। ओज़िल 11 असिस्ट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर अगर हम बात करें तो आलमगीर गाजी, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द प्राइड ऑफ केआरएल एफसी एंड द प्राइड ऑफ ए टीम, 8 असिस्टों के साथ तीसरे नंबर पे हैं टॉप असिस्ट के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें क्लीन शीट्स की, तो जी हाँ, गोलकीपर्स में बिलाल, जो कि स्मार्ट एफसी की जानिब से 3 क्लीन शीटें कर चुके हैं अब तक और सहर फेरिस रहे हैं। नंबर 1 पे बिलाल, जो कि काफ़ी सॉलिड हैं इन द बैक इन द नेट, टीम स्मार्ट एफसी की जानिब से काफ़ी अच्छे सेव्स, काफ़ी यंग मेच्योर प्लेयर। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्रार और खिजर, मुस्लिम एफसी की जानिब से मोहम्मद अब्रार, जो कि 2 क्लीन शीट्स हैं। और तीसरे नंबर अगर बात करेंगे तो वो खिजर, टीम की जानिब से जिनकी अभी नई साइनिंग हुई, आई थिंक 3 से 4 मैचेस खेले हैं जिन्होंने और इसमें से उन्होंने 2 क्लीन शीट्स अपने टीम को दिलवाई हैं। तीसरे नंबर अगर बात करें तो वदूद, राफे, ताहिर, पीरा और यासिर, इनकी 1-1 क्लीन शीट्स है। तो जी हाँ, ये थे हमारे पास स्टैट्स अब तक जो टोटल प्रीमियर लीग के जो अब तक हो चुके हैं। इसके बाद आने वाले जितने भी मैचेस होंगे वो काफ़ी पुरजोश और काफ़ी अच्छे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा चलूँ कि वो है मौसम की कंडीशन, वेदर कंडीशंस। पहले जितने भी मैचेस हुए थे वो सर्दियों में हुए थे और उन कंडीशंस पर खेलना प्लेयर को काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब अगर वो मैचेस होंगे तो वो काफ़ी गर्मी में होंगे, काफ़ी टफ मैचेस होंगे, टीम को अपने स्टेमिने पे काम करना पड़ेगा और कोचेस को अपने कोचिंग पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, किन प्लेयर्स को पहले खिलाना है, किन प्लेयर्स को बाद में सब्स्टिट्यूट पे रखना है। तो ये काफ़ी मेन पॉइंट्स होंगे किसी भी टीम के लिए और देखते हैं कि आगे मैचेस में किस तरह परफॉर्म करती हैं टोटल प्रीमियर लीग की सारी टीम्स और क्या नीचे आने वाली टीम्स क्या परफॉर्म करके ऊपर आ सकती हैं। और ये भी पता लगेगा कि कौन सी टीम इस वक्त टॉप करेगी, क्योंकि एंड ऑफ द लीग चल रहा है, ऐसे कौन सी टीम टॉप करेगी, कौन सी सेकंड नंबर पे आएगी, कौन सी थर्ड और कौन सी फोर्थ नंबर पे आएंगी। आपको बता रहा चलूँ कि इसके बाद
वही होगा जिस तरह प्ले ऑफ होंगे, जो भी फर्स्ट सेकेंड टीम होंगे उनके आपस में मैचेस होंगे, और उसके बाद जो भी उनमें से जो विनर होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल्स के लिए, और जो रनर अप होगा वो खेलेगा थर्ड और फोर्थ पोजीशन के विनर्स के साथ, और उसके बाद कम्पिटिटिव मैच के बाद जो भी उनके मैच वो विन करेगा वो खेलेगा फाइनल्स में, अब जो टॉप टीम जो टीम क्वालिफाई करके जाएगी उसके साथ, और उसके बाद एक ग्रैंड फिनाले होगा वर्ल्ड प्रीमियर लीग का, और जो भी एक ग्रैंड फिनाले विन करेगा उसे मिलेगा 1 लाख PKR कैश प्राइस, और उसके बाद ट्रॉफी, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके एक्स्ट्रा भी हैं जिन्होंने टी रेक्स की जानिब से कुछ गिफ्ट्स हैं, और उसके बाद ड्रीम वैल्यू रिसॉर्ट की जानिब से एक फ्री ट्रिप है, उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा इनामात हैं जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू प्रीमियर लीग या किसी भी चीज़ बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी बताकर हमारे हर आने वाली नई वीडियो और नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।